नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह एनबीएस पीजीटी हिस्ट्री का पेपर है, एनबीएस पीजीटी हिस्ट्री, और अगस्त में यह पेपर हुआ था। कुल दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं, 40 प्रश्न देख चुके हैं, और 41वां प्रश्न है। आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए, 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम फोर्थ के लिए राजा राम मोहन राय को अपना दूत नियुक्त किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है यह बताना है। तो इसमें है अकबर सादुती, अकबर सादुती विकल्प फर्स्ट इसमें सही है। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न नंबर 42 आप लोग को स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने नूरजहाँ के जुंटा वाले सिद्धांत की आलोचना की थी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने नूरजहाँ के जुंटा वाले सिद्धांत की आलोचना की थी। यह है नूरुल हसन, नूरुल हसन इसमें विकल्प 3 इसमें सही है। जो भी विकल्प सही है वह ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 43 आप लोग के स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं। यह है अनेकांतवाद, यह है अनेकांतवाद इसमें विकल्प 3 सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा, यह सभी प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह सभी परीक्षा में आए हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। प्रश्न नंबर 44 देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो यह थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसमें विकल्प 4 सही है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, प्रश्न नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में जात की सीमाओं के बाहर के लोगों का कोई निवास स्थान निहित है। तो यह है चेरी, चेरी विकल्प 4 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, प्रश्न नंबर 46 देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को, विकल्प 4 इसमें सही है। जो भी सही है ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर कीजिएगा और शेयर करिएगा। या जो भी प्रश्न हुए थे या जो भी कुछ हुआ था, यह ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो ऑनलाइन पेपर हुआ था तो यह सभी स्क्रीनशॉट हुआ है, स्क्रीनशॉट लिया गया है जो जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 47 देखिए, पिट्रा ड्यूरा नामक, यह सब आंसर की का स्क्रीनशॉट है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, पिट्रा ड्यूरा नामक सजावट की विधि मुगल इमारतों में निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में के दौरान इस्तेमाल की जाने लगी। तो यह है जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में इस्तेमाल की जाने लगी, विकल्प 3 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, प्रश्न नंबर 48 आप लोग के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया था कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषक समाज की बेचैनी थी। तो किसने किया था, यह किए थे रंजीत गुहा, रंजीत गुहा विकल्प 1 इसमें सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे। तो यह थे अंडाल, अंडाल जो थे अलवार संत थे, इसमें विकल्प 1 सही है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, प्रश्न नंबर 50 देखिए, कैथोलिक चर्च को निम्नलिखित किस एक्यूमेनिकल काउंसिल को धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के मूर्त रूप के बतौर वर्णित किया गया था। तो ये होगा प्रश्न ऑप्शन जो 3 सही होगा, काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 से 1563 तक, विकल्प 3 इसमें सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न नंबर 51 आप लोग के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में हातिन पर जेरूसलम की सेना को निर्णायक रूप से हराया था। तो इसमें होगा सलादीन, सलादीन विकल्प 3 इसमें सही होगा, सलादीन। अगले प्रश्न पे आइएगा, ये जो भी प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और यह सभी अगस्त एनबीएस पीजीटी हिस्ट्री का पेपर है। प्रश्न नंबर 52 आप लोग के स्क्रीन पर, जॉन विक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जला दिया गया था। तो इसमें होगा जॉन हस, जॉन हस विकल्प 1 इसमें सही होगा। जो भी सही है वो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान में नहीं था।
तो इसमें विकल्प चार सही होगा, सभी कानूनों को भारतीय भाषाओं में उचित अनुवाद के साथ मुद्रित किया जाना, विकल्प चार इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 54 देखिएगा, भारत के सुधार संग्राम में निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करिए, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह। उपरोक्त आंदोलन का सही कालक्रमानुसार क्रम क्या है? तो इसमें जो सही कालक्रम है वह है विकल्प तीन का, 3-1-2, विकल्प तीन 3-1-2 यही है। मतलब पहले रॉलेट एक्ट हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, और फिर हुआ था खिलाफत आंदोलन, ऐसे समझ सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 55 आप लोग को स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन वेदों का एक संकलन है, वेदों का एक संकलन है? तो ये है मजमा उल बहरीन, जिसको दारा सिंह को लिखा था। मजमा उल बहरीन वेदों का संकलन है, इसमें विकल्प चार सही है, विकल्प चार इसमें सही है। प्रश्न नंबर 55 का चार सही है। प्रश्न नंबर 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो ये है रोपड़, ये होगा रोपड़, रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है, जबकि अन्य सभ्यताएं राखीगढ़ी, बनवाली और मिताथल, ये सभी हरियाणा में स्थित है। प्रश्न नंबर 57 देखिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वेदुकोत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है। तो इसमें जो विकल्प एक होगा वही सही होगा। यज्ञों में श्रौत के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती है, यही विकल्प एक सही होगा, विकल्प एक इसमें सही होगा दोस्तों। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण किया था? मोती मस्जिद आगरा का, मोती मस्जिद जो आगरा थी, आगरा में जो मोती मस्जिद बनाया गया था, इसमें शाहजहां का निर्माण कार्य यही था, आगरा में मोती मस्जिद। देखिए, जो लाल किला में मोती मस्जिद बनाई गई थी उसको औरंगजेब ने बनवाया था, लेकिन आगरा में जो मोती मस्जिद बनवाई गई थी इसे शाहजहां ने बनवाया था, इसमें विकल्प तीन सही है। प्रश्न नंबर 59 हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है। तो इसमें विकल्प तीन सही है, विकल्प तीन है, लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं, लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं, यही सही है। हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं, यही सही है, इसमें विकल्प तीन सही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों पर तेजी से हमला किया? तो इसमें होगा विकल्प एक सही होगा, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने हमला किया इस प्रकार। तो प्रश्न नंबर 60 खत्म हो गया, यह तीसरा पार्ट खत्म हो गया है, और अभी दो पार्ट और है जिसमें NVS PGT हिस्ट्री का मैं पेपर दे रहा हूँ, और 100 प्रश्न थे इसमें, और 20-20 प्रश्न करके पांच पार्ट बनाया जा रहा है, जिसमें से तीन पार्ट यह फिनिश हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। दो पार्ट और है, दो भाग और है, और इसको भी 20-20 प्रश्न के हिसाब से ख़त्म कर लेंगे। देखिए, हम दोस्त हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि NVS PGT हिस्ट्री का पेपर चाहे हो, चाहे KVS PGT हिस्ट्री का पेपर हो, या उत्तर प्रदेश TGT PGT हो, जितने भी TGT PGT के पेपर हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी को हो, पॉलिटी के हो, इकोनॉमी के हो, सबको मैं उपलब्ध कराऊँ आप लोग को, क्योंकि पिछले ईयर के जो पेपर होते हैं उसको देखने से कुछ आइडिया समझ में आते हैं कि प्रश्नों का लेवल क्या है, प्रश्न कैसे हैं। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं इतिहास विषय को ज़्यादा ज़्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ अपने चैनल पर, और वहाँ पर मैं हिस्ट्री की विशेष क्लास चला रहा हूँ, हिस्ट्री की विशेष क्लास चला रहा हूँ। लगभग सात कम से कम 7 या 8 क्लास हैं दी जा चुकी हैं, और पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, पूरा का पूरा इतिहास समग्र तरीके से, सारगर्भित तरीके से समाप्त कराने का विचार है हमारा।
और हम सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से ख़त्म करा दिए हैं। इस समय ऋग्वैदिक काल चल रहा है, तो आप उसे ज्वाइन करें। हमारा जो भी हिस्ट्री की क्लास चल रही है हमारी, देखिए यह पीजीटी के लिए रामबाण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ पीजीटी में, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ पीजीटी हिस्ट्री में, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। इतिहास का समग्र अध्ययन, सारगर्भित अध्ययन कराना हमारा विचार है। और विशेषकर मैं तो यह जो चैनल है पीसीएस पाठशाला, यह पीसीएस की परीक्षाओं के लिए है। तो मैं जो इस समग्र इतिहास में पढ़ा रहा हूँ तो वह पीसीएस के लिए तो यूजफुल है ही, पीसीएस के लिए तो पूरी तरह से यूजफुल है, पूरी तरह से। लेकिन साथ ही साथ वह पीजीटी को भी कवर कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पीजीटी का समग्र रूप से, सारगर्भित रूप से अगर अध्ययन करना है तो आप हमारे जो हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्ट्री का जो मेरा क्लास चल रहा है उसको पूरी पूरी तरह से फॉलो करिए, पूरी तरह से फॉलो करिए। फिर देखिए एग्जाम हॉल में आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, गजब नंबर आएगा आपका, विश्वास मानिए। क्योंकि हिस्ट्री का पूरा सारगर्भित और समग्र अध्ययन कराना ही हमारा विचार है, और हम लगातार वीडियो देते जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।